हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेजस आप लोगों का यूसी लैब चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग पिछले क्लास में पाइपलाइन सिस्टम के प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे थे। हमने पिछले क्लास में 15 क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर यहाँ तक किसी को कोई इसी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप हमें बताएं, ज़रूर बोलें, ठीक है। और टेलीग्राम में जुड़ जाएँ, टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा ना देर करते हुए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं, जो हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का, ठीक है। तो आज का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली। क्या बोला जा रहा है कि एक पाइप ए और बी किसी टैंक को क्या बोला जा रहा है कि 16 घंटा और 24 घंटा में भर सकता है। क्या बोला, जबकि वेयर एज पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 आवर्स। और सी के बारे में क्या बोल रहा है, इसी टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। क्या क्या डाटा दिया गया उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। डाटा क्या दिया गया, ए के बारे में बोला गया, एक जो पाइप है वो क्या कर रहा है, भर रहा है, ठीक है, भर रहा है कितना, 16 घंटे में। दूसरे पाइप बी है, ये भी क्या कर रहा है, भर रहा है कितने घंटे में, 24 घंटे में, ठीक है। एक सी पाइप है जो क्या बोल रहा है, इसे खाली कर रहा है 40 घंटे में। ए 16 घंटे में भर रहा है, बी 24 घंटे में भर रहा है, सी से 40 घंटे में खाली कर दे रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तीनों पाइप को साथ में खोल दिया गया। फिर आगे क्या बोल रहा है, बट पाइप ए इज क्लोज्ड आफ्टर 10 आवर्स, ठीक है। बोला गया है तीनों को तो साथ में खोला गया, पर बोला कि 10 घंटा के बाद ए को बंद कर दिया गया। मतलब क्या हुआ कि 10 घंटा तक तीनों ने साथ में मिलकर काम किया, किया कि नहीं, 10 घंटा के लिए ध्यान देंगे, 10 घंटा के लिए तीनों मिलकर साथ में काम किया। तो बोला गया है कि आफ्टर हाउ मच आवर्स विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक वी फिल्ड। बोला कि जो 10 घंटा के बाद, ठीक है, ए जो बंद हो गया, तो ए को बंद करने के बाद जितना बचा हुआ है, ठीक है, जितना भाग बचा हुआ है भरने को, वो बी और सी मिलकर कितना देर में करेगा, वो चीज़ बोला जा रहा है, रिमेनिंग पार्ट के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, सीधा सीधी सिंपल से क्या करेंगे, पहले 16, 24 और 40 से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यही करते हैं ना, यही करेंगे, ध्यान देंगे, निकालेंगे एलसीएम 16, 24 और 40, ठीक है, कितना जाएगा एलसीएम, ध्यान देंगे, देखेंगे। तो क्या देख रहा है कि एलसीएम लेंगे, देख रहे हैं कि एलसीएम में हमें देखा जाए तो यहाँ 8, 8, 8, तीनों में 8, 8 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखा जाए 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो देखेंगे तो 8 कॉमन हो गया। एलसीएम लेने का तरीका बता रहा है, यहाँ क्या हो गया, 2 बच गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 5 बच गया, 2 3 5 को गुना कर दीजिए, कितना देखो, 2 3 5 को 8, 2 3 6 और 5 30 हो गया, 30 गुना 8 कर दीजिए, मतलब क्या हो गया, 240 हो गया, 240 क्या हो गया इसका एलसीएम, मतलब 240 इसको भरना है, तीनों को मिल करके इसको 240 को भरना है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तार बज रहा है, क्या हो गया इसका 16, इसे डिवाइड करेंगे कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में कटेगा, ठीक है, कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, हो गया, इसे हो गया 15, इसका 10, इसका 6, तब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में क्या किया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान दें, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया था कि तीनों पाइप को खोला गया और 10 घंटा तक ही चलाया गया, तीनों पाइप को 10 घंटा चलाया गया, फिर क्या किया, ए को बंद कर दिया गया, ध्यान देंगे, तीनों पाइप तो साथ में काम शुरू किया पर ए को 10 घंटे के बाद बंद कर दिया गया, मतलब 10 घंटे तक तीनों काम किया था, तीनों काम को 10 घंटे तक करवाना है तीनों पाइप को, तो तीनों पाइप अगर एक घंटे में देखा जाए तो ये 15, ये 10, ये 6, ये खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहा है, देखेंगे दोनों कितना भरेगा, एक तीनों मिलकर अगर एक घंटा में भरेगा तो क्या हो जाएगा, 10, 15, 25 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा, 19, ध्यान देंगे 19 एक घंटा में काम करेगा, हमें कितना काम करवाना है, 210 घंटा काम करवाना है, यही काम करवाना है ना, 10 घंटा काम करवाना है, 10 घंटा का मतलब क्या होगा, 10 गुना 19 करेंगे क्या जाएगा, 190 हो गया, 190 हो गया, अब ध्यान दे रहे हैं 190 में क्या करेंगे, 240 में हम घटाएंगे, यही है ना बचा हुआ काम, मेरा बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, घटाएंगे कितना जाएगा, 50 आ जाएगा, जो बचा हुआ काम है अब कौन करेगा, बी और सी मिलकर काम करेगा, वही बोला गया ना, ये तो छोड़ दिया, एक बंद कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया, बाकी कौन काम करेगा, बी और सी, बी और सी देखा जाए कितना काम कर रहा है, 10 ये माइनस 6 क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, क्या जाएगा, 4 आ जाएगा,
तो 50/4 कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसको सोल्व करेंगे क्या जाएगा, उसको काटेंगे तो ये 25, ये 2, क्या जाएगा 25/2। देखें कौन सा ऑप्शन है 25/2, देखा जाए बी ऑप्शन है। इसको मिक्सड फ्रैक्शन में करेंगे, क्या करेंगे हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में ये कैसे करेंगे इसको, कोई समस्या? आगे चलते हैं, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 15 आवर्स व्हाइल बी टेक्स 25 आवर्स। ठीक है, ए के बारे में क्या बोला गया, ये 15 घंटे में भर रहा है, बी इसी को 25 घंटे में भर रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया कि इनिशियली मतलब ओनली पाइप ए वाज स्टार्टेड फॉर सम टाइम एंड देन लेटर क्लोज्ड बट पाइप बी इज स्टार्टेड। ठीक, ओवरऑल इट टेक्स 19 आवर्स टू फिल द टैंक, हाउ लॉन्ग वाज ए पाइप रन। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ तक तो समझ में आया, क्या बोला गया कि ए जो है ध्यान देना, ए को ए बोल के बारे में क्या बोले 15 घंटा में ये भर सकता है, बी के बारे में क्या बोला गया कि ये 25 घंटा में भर सकता है, ध्यान देंगे दोनों भरने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला गया कि इनिशियल मतलब शुरुआत में ना पाइप ए को चालू किया गया। ठीक है, कुछ समय के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया, बंद करने के बाद क्या बोला गया फिर पाइप बी को स्टार्ट किया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, पहले ए को चालू किया गया, ए कुछ समय चला, मान लीजिए 2-3 घंटा चला होगा, उसके बाद क्या कर दिया, ए को बंद कर दिया गया, उसके बाद किसको चालू किया गया, बी को चालू कर दिया गया बी। ठीक है, ऐसा करने से क्या बोल रहा है कि 19 घंटे में ये टैंक भर जाता है, ऐसा करने से क्या हो गया 19 घंटे में ये टैंक भर गया। तो बोला गया है कि ए कितने समय तक चलाया गया, कितने देर ये चला ए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए जो पाइप हमारा है, ए पाइप x घंटा तक चलाया गया होगा, ध्यान देंगे ए पाइप को x घंटा तक चलाया गया होगा, x आवर तक। ठीक है, तो इसलिए बी पाइप कितना देगा, बी कितना चला होगा, तो 19-x करेंगे, इतना घंटा इसको चलाया गया होगा तब ये पूरा का पूरा भर गया होगा, ध्यान देंगे ए x घंटा के लिए चलाया गया, अब बी 19-x करेंगे तभी तो होगा ना, 19 घंटा तक टोटल चलना है तो x घंटा ये चला तो क्या बी कितना चलेगा, 19-x करेंगे। ठीक है, समझ में कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे सोल्व करेंगे, यहाँ तो आवर पता चल गया हमें कितना घंटा चला गया, बी को कितना घंटा चला गया, अब क्या करेंगे इसका एफिशिएंसी पता करेंगे, टोटल वर्क पता करेंगे, टोटल कितना भरना है इसको, कैपेसिटी भरना है। ठीक है, कहाँ से पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे जो डाटा दिया गया है हमारा है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, ध्यान देंगे बताइए 15 और 75 का एलसीएम कितना, सॉरी 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, 75 होगा, करेंगे डिवाइड करेंगे क्या जाएगा यहाँ 5, यहाँ क्या आ गया 3, मतलब ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 3। ठीक है, ध्यान ध्यान दे रहे ए एक्स घंटा के लिए चला गया तो कितना हो जाएगा 5 × x हो जाएगा, इतना पानी भरेगा, एक घंटा में 5 पानी भर रहा है तो एक्स घंटा में कितना पानी भरेगा, तो 5x भरेगा पानी। ठीक है, प्लस करेंगे अगर इसका भी निकाल लेंगे, मान एक घंटा में 3 भर रहा है, एक घंटा में 3 लीटर भर रहा है तो कितना घंटा भरना है, 19-x घंटा भरना है तो 19-x गुना 3 करेंगे। ठीक है, 3 गुना क्या कर देंगे 19-x करेंगे, दोनों मिल करके कितना काम कर रहा है 75 के बराबर हो जाएगा, यही काम करना है ना, भराना इतना ही पानी हमें है ना, 75 ही तो भरना है तो 75 भर दिए, एक्स घंटा ये चला, ये चला 19-x। ठीक है, उसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे सोल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ का 5x है, इसको घटाएंगे क्या जाएगा, या 3x इसमें घट जाएगा क्या जाएगा 2x हो जाएगा, 5x - 3x 2x हो गया, क्या हो जाएगा उसको गुना करेंगे, 19 × 57 हो जाएगा, 57 क्या करेंगे उधर घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना बार में घट जाएगा, 75 में से 57 जाएगा क्या 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो गया, अब उसको क्या करेंगे काट देंगे क्या जाएगा 2 बार 9 बार में कट जाएगा, तो मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया, मतलब 9 घंटा तक ए को चलाया गया। ठीक है, समझ में आएगा कैसे बना, कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो यह हमारा था तरीका था बनाने का, कैसे हमें इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है। अगर इस तरह से बोल दिया जाए कि ए को कुछ समय चला गया, उसके बाद बी को चलाया गया, ए को बंद कर दिया गया, फिर बी को चलाया गया, ऐसा करने से 19 घंटा का समय लग रहा है, तो 19 घंटा का समय लग रहा है तो क्या मान लीजिए हम लोग ए को एक्स घंटा चलाया गया होगा। ठीक है, जब ए को एक्स घंटा चलाया गया तो बी कितना चलेगा, 19-x घंटा तक चलेगा।
टाइम तो पता चल गया दोनों का, ठीक है, ए कितना देर चला, बी कितना देर चला। अब हमें पता क्या करना है, इफिशियंसी पता करना था कि ए का इफिशियंसी कितना होगा और बी का इफिशियंसी कितना होगा। जैसे हमें ए और बी का इफिशियंसी पता चल गया, बस हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, कितना देर तक ए को चलाया गया होगा और बी को कितना देर तक चलाया गया होगा। अगर यही बी के बारे में पूछता कि बी को कितना देर तक चलाया गया, क्या करते हैं, 19 में से 9 को घटा देते हैं, 10 आ जाता, 10 घंटा तक बी चला होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे बनाना है इसको, है आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं, आगे क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है कि टू पाइप, कौन कौन सा पाइप है, ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 18 आवर्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली टू फिल द टैंक, इन हाउ मच आवर्स विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी बहुत सारे कर चुके हैं। क्या बोला गया ए के बारे में, क्या बोला गया कि ए 15 घंटा लेता है, बी क्या बोल रहा है, बी 18 घंटा ले रहा है, दोनों भरने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं प्लस माइनस लेने से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर क्या करेंगे, जो आएगा हमारा क्या आएगा, जो भी एलसीएम लेने के बाद वो हमारा क्या जाएगा, टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। टोटल कैपेसिटी में क्या करेंगे, इसका भाग दे करेंगे तो एफिशिएंसी पता चल जाएगा, एफिशिएंसी को जोड़ के फिर टोटल कैपेसिटी में भाग करेंगे, पता चलेगा कि ए और बी मिलकर के कितना समय में करेगा। तो इजी क्वेश्चन है या नहीं है, तो इसे कर लीजिएगा या नहीं कीजिएगा ये बताइए, ठीक है। अगर नहीं है तो चलिए देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 15 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो देखा जाए तो क्या इसमें कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 क्या बोला जा रहा है, ये 15 से भी कटेगा, ये 18 से भी कटेगा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ से 15 से इसमें भागा देंगे, कितने बार में लगेगा, 12 बार में लगेगा, ध्यान देंगे कितने बार में, 10 बार में कटेगा, कितने बार में लग रहा है, 12 बार में, कितने बार में लग रहा है, 10 बार में लग रहा है, ठीक है। या तो आप 90 भी एलसीएम हो सकता था इसका, ठीक है, इसका एलसीएम 90 भी हो सकता है, पर हमने इससे थोड़ा सा बड़ा मान लिया ताकि आसानी से हम इसे निकाल पाए, ठीक है। तो ए 12, बी 10, भरना कितना है, 180, तो 180 बटा क्या हो जाएगा, 10 और 12 22, सो क्या कर देंगे, अब सोल्व कर देंगे वही हमारा एलसीएम आंसर हो जाएगा। काटेंगे कितने बार में कट रहा है, यहाँ 2 बार में कट जाएगा, ये 90 बटा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 बटा 11। देखेंगे 90 बटा 11 कौन से ऑप्शन में है, देखेंगे यहाँ ये ऑप्शन ये है, इसको बीम कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये बी मान लीजिए, ठीक है, गड़बड़ है थोड़ा सा, ये दोनों जगह लिखा गया, सो बी कर लेते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको करेंगे 11 88 और 2 90 बटा 11 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ में कैसे करेंगे, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि दो पाइप ए एंड बी एक खाली टंकी को क्रमशः 1.8 एवं 2.7 घंटा में भर सकता है, ठीक है। ए के बारे में क्या बोला गया कि 1.8 घंटा ले रहा है, बी वहीं पर 2.7 घंटा लग रहा है इस टंकी को भरने के लिए। आगे क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है कि किसी अन्य पाइप को कार्यरत ना होने की स्थिति में पाइप सी 4.5 घंटे में पूरे टंकी को खाली कर सकता है, मतलब बोल रहा है कोई और पाइप नहीं चल रहा है, सिर्फ पाइप कौन सा चल रहा है, सी चल रहा है। तो ऐसा करने पर क्या बोला गया है कि 4.5 घंटे में 4.5 घंटे में टंकी को खाली कर दे रहा है, कौन खाली कर दे रहा है, सी खाली कर दे रहा है, मतलब सी का पता चलेगा कि मतलब टंकी कितना खाली कर सकता है, कितना देर में, ठीक है, कितना देर में खाली करेगा, 4.5 घंटे में खाली कर देगा। चलते लिखते हैं, क्या बोला गया ए के बारे में, बोला गया ए 1.8 घंटा में खाली कर रहा है, इसको ले सकते हैं 18/10, ठीक है, इसको इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आसानी हो जाए हमें एलसीएम निकालने में, ठीक है, पॉइंट में रहता है तो हमें दिक्कत हो सकती है निकालने में, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसे फ्रैक्शन में कर दिया ताकि हमें आसानी हो जाए। ये भरने वाला है, बी भी बोला जा रहा है 2.7 था, ये हो गया हमारा 27/10। सी के बारे में क्या बोलेगा, सी इसे खाली कर रहा है कितने देर में, 4.5 घंटे में, 45/10, ठीक है, ये 18/10, 27/10, 45/10 हो गया। आगे भी देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए एक बार क्वेश्चन को, आगे क्या बोल रहा है,
कहाँ गया? खाली कर सकता, शुरू क्या बोल रहा है? शुरू में टंकी के खाली होने पर क्या बोल रहा है? शुरू में टंकी खाली है, उसके बाद क्या बोला गया कि पाइप ए और पाइप सी को खोल दिया जाता है। ठीक है, पहले कौन काम कर रहा है? पहले टंकी खाली है पूरी तरह से, पूरी तरह से खाली है। उसके बाद क्या बोला गया है कि ए और सी दोनों मिलकर पहले शुरुआत किया, फिर बोला कुछ देर के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया, मतलब कुछ देर तक पाइप ए चला, उसको बंद कर दिया गया। फिर बोला बंद करके पाइप बी को खोल दिया जाता है, ए को बंद कर दिया, फिर कौन चल रहा है? पाइप बी साथ हो गया। मतलब कहने का मतलब शुरू में कुछ देर कौन काम किया? ए के साथ सी चला, कुछ देर तक काम किया होगा। उसके बाद क्या हो गया? ए को बंद कर दिया गया, ए बंद हो गया, उसके जगह पर कौन आ गया? बी को चालू कर दिया गया। तो बी प्लस सी अब काम को पूरा खत्म कर रहा है, वही बोल रहा है बी को खोल दिया जाता है। तो बोल रहा है इस प्रकार टंकी को भरने में 5.5 घंटे का समय लगता है। ऐसे करने से क्या बोल रहा है कि 5.5 घंटे का समय लगता है। तो बोला जा क्या जा रहा है कि पाइप बी कितने घंटे खुला रहा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अभी हम लोगों ने प्रीवियस किया था, पहले भी इसी तरह किया था। वहाँ क्या बोला गया था? ए के बारे में बोला गया था। ठीक है, यहाँ अलग अलग सब काम कर रहा था, पर यहाँ क्या कर, कौन कौन काम कर रहा है? यहाँ मिल के काम कर रहा है, वहाँ अकेले के लिए चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? उसी तरह से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला गया है? पाइप भी कितने घंटे तक खुला रहा, इसके बारे में बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, उसी तरह से चलेंगे। मान लेते हैं कि ए और सी एक्स घंटा तक काम किया होगा, मान लेते हैं ए और सी एक्स घंटा तक काम किया होगा, तो बी और सी कितने घंटा काम किया होगा, कितना घंटा काम किया होगा? 5.5 माइनस एक्स, यही करेंगे ना, यही दिया हुआ ना कि दोनों अगर कितना देर में ख़त्म होता है, वो सब में काम करता है, तो कितना समय टोटल लगेगा? 5.5 घंटा टंकी को भरने में लगेगा। तो टोटल घंटा 5.5, ए और सी मिला तो एक्स घंटा काम किया, तो बी और सी कितना जगह? 5.5 माइनस एक्स। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि बी कितने देर तक काम किया होगा, क्योंकि यहाँ से बी पूरा ख़त्म कर रहा है काम को, जितना है पानी को भरना है यहाँ से बी पूरा ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या करें, इकट्ठा मान लिया कि यहाँ से यहाँ कितना 5.5 माइनस एक्स से हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ध्यान देंगे, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो शुरू में है इकट्ठा काम कर रहा है ए और सी, तो ए और सी इकट्ठा काम कर रहा है तो एक्स घंटा काम किया, उधर से इकट्ठा काम कर रहा है यहाँ भी, तो बी कंप्लीट करेगा पूरा, तो ये पूरा ना कितना देर तक खुला रहा तो बी को पूरा भरना है, तो यहाँ से कितना तक उसको भरना पड़ेगा, कितना देर चलेगा? क्या मान लिए 5.5 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा? टाइम निकल गया कि नहीं निकल गया, हमको क्या पता करना पड़ेगा? इफिशियंसी पता करना पड़ेगा सबका, इफिशियंसी पता करेंगे, कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा। क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो फ्रैक्शन वाला हम बताएं कैसे एलसीएम लेते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, अंश का एलसीएम लेंगे, तो अंश का एलसीएम लेंगे तो क्या है, 18 है, 27 है, 45 है, तो कितना जगह एलसीएम इसका, ध्यान देंगे कितना आएगा, 18 27 45 क्या जाएगा, 270 हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, 270 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 18 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, तो 15 × 10 क्या जाएगा, 150, ये हो गया इसका, ऐसा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ऐसा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ए का एफिशिएंसी 150, बी का एफिशिएंसी 100, सी का एफिशिएंसी 60। आगे क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि ए और सी साथ में काम करते कुछ देर तक, तो ए और सी को साथ में काम करवाते, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 150 यहाँ 60, साथ में काम करेगा तो कितना काम करेगा, एक घंटा में 90 काम हुआ कि नहीं हुआ, 90 काम किया तो कितना देर तक काम करेगा, एक घंटा, क्या हो गया 90, ध्यान देंगे क्या हो गया, 90x हो जाएगा, 90 × x 90x। ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बाद क्या बोला, कुछ देर तक काम किया, उसके बाद कौन काम कर रहा है, बी और सी, तो बी और सी को अगर काम करवाएंगे क्या, 100 − 60 कितना हो जाएगा, 40, और 40 काम करेगा कितने देर तक काम करेगा, 5.5 माइनस एक्स घंटा तक काम करेगा। ऐसा करने से टोटल काम कितना करना है, 270 काम करना है, बस 270 के बराबर हो गया, एक्स का वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, ध्यान देंगे क्या क्या है, 90x है, इसको क्या करेंगे, यहाँ घटेगा, ध्यान देंगे क्या है, 40 है, 40 माइनस एक्स क्या जाएगा, यहाँ 50x हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ 50x हो गया ना, ये 50x बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे क्या जाएगा, ये 50x हो गया, ये क्या हो गया, ये 40 उसमें गुना करेंगे 5.5 में, कितना जाएगा, 40 को 5.5 में गुना करेंगे कितना जाएगा, 220 आ जाएगा, हो जाएगा ना, 4×5 20, 4×5 20 2 22, 220, अब एक जीरो था तो पॉइंट खत्म हो गया, क्या जाएगा, 400
सॉरी 220 हो गया, 220 यहाँ घट जाएगा, 270 में क्या देगा 50 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, ध्यान देंगे देखा जाए तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया 50 बटा 50 हो जाएगा, ध्यान देंगे कितना देगा एक घंटा, मतलब क्या बोला गया कि ए और सी कितना देर तक काम किया, एक घंटा काम किया। हमें निकालना क्या था बी का, बी कितना देर तक चला होगा, तो बी क्या करेंगे 5.5 में से एक को घटा देंगे कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आए कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत है कन्फ्यूजन है तो बोलिए जल्दी से, समझ रहे हैं ना यहाँ क्या करना क्या, क्या, क्या कैसे चलाइए। ए और सी साथ में काम किया तो अगर ए के बारे में बोलता तो भी एक ही आंसर होता, और सी के बारे में भी बोलता तो भी एक ही आंसर होता, वहाँ अभी देखेंगे ठीक है। सी का तो अलग हो जाता ना, सॉरी ध्यान देंगे, अगर ए के बारे में बोलता तो एक आंसर होता, और बी के बारे में बोलता क्या करते हैं कि पूरे में से 5.5 में से एक को घटा देंगे क्या जाएगा 4.5 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सी के बारे में बोलता तो सी तो पूरा ही काम किया, शुरू से लेकर के अंत तक काम किया, तो उससे कोई दिक्कत तो था ही नहीं, ठीक है। समझ में कि कैसे निकालेंगे इसको, इस तरह के क्वेश्चन अगर आगे एग्जाम में, ठीक है आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है कि ए टायर हैज टू पंचर्स, मतलब एक टायर है ध्यान देंगे, एक टायर में दो पंचर हैं, जिसमें से क्या बोल रहा है कि पहला पंचर अकेले इसको 45 मिनट में खाली कर दे रहा है पंचर को, सॉरी अकेला पंचर पूरे टायर को 45 मिनट में खाली कर देगा, उसमें से दूसरा पंचर के बारे में क्या बोला गया कि ये 90 मिनट का समय लेगा खाली करने में पूरा टायर को, ठीक है। तो बोला गया दोनों को, ठीक है ना, क्या बोल रहा है इफ द एयर लीक्स आउट एट अ कॉन्स्टेंट रेट देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक बोथ द पंचर टुगेदर टू मेक द टायर फ्लैट, ठीक है। तो क्या बोला गया अगर दोनों साथ में अगर पंचर को शुरू कर दिया जाए ना, दोनों साथ में पंचर अगर काम करे तो कितने देर में ये पंचर पूरे टायर को खत्म कर देगा, मतलब पिचका देगा, खत्म कर देगा उसमें से एयर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने काफी किए हैं। मान लीजिए पहला पंचर है, पहला पंचर बोल रहा है खाली कर रहा है माइनस वाला है 45 मिनट में खाली कर रहा है, दूसरा पंचर है टू मान लेते हैं, यह बोल रहा है ये भी खाली करने वाला है, ये 90 मिनट में खाली कर रहा है, क्या करेंगे अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 90 हो गया एलसीएम, बस इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 हो गया माइनस 2 ये क्या आ जाएगा माइनस 1, ध्यान देंगे माइनस लिखे या ना लिखे यहाँ पर समझ में आ रहा है ये माइनस है, ठीक है इसका 2 इसका 1 एफिशिएंसी, ठीक है। अब ध्यान देंगे टायर 1 का क्या बोला जा रहा है 2 एफिशिएंसी आया, टायर 2 का 1 आया, दोनों को साथ में काम करवाना है, कितना काम करवाना है 90 काम करवाना है, कितना हो गया माइनस 2 माइनस 1 क्या हो गया माइनस 3, माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा काटेंगे क्या जाएगा 30, माइनस लिखे यानी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, क्या जाएगा मतलब 30 मिनट में जो हमारा पाइप है सॉरी जो हमारा टायर है उसको क्या कर सकता है पिचका सकता है, मतलब उसमें से एयर पूरा बाहर निकल जाएगा 30 मिनट में, ठीक है। समझ में 30 मिनट में ये टंकी सॉरी टायर को पूरा खाली कर देगा दोनों पंचर मिल करके, वो टंकी टंकी का आदत हो गया ना, पाइप टंकी बहुत सारा है, पाइप टंकी आए पाइप टंकी आया अभी काय का आ गया टायर, तो वो हो जाता है ठीक है बैठ गया है मुंह पे पाइप और टंकी, जिस तरह से पाइप आ टायर आ गया थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं आगे चलते हैं। क्या बोला गया है कि पाइप ए बी सी तीन पाइप है, ठीक है क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से, इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं ठीक है, ये देखिए होगा ना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं, क्या था क्वेश्चन इस तरह से क्या बोला गया है कि ए बी सी पाइप है जो 20-30 क्या बोल गया 20-30 और 60 आवर्स में भर सकता है, ठीक है। आगे क्या बोला गया कि ए बी सी पाइप को कब कब खोला गया, 1 बजे 7 बजे खोला गया ए को, बी को 8 बजे और सी को 9 बजे सुबह में खोला गया, सबको ए को 7 बजे बी को 8 बजे सी को 9 बजे खोला गया, तो बोला गया है कि रिस्पेक्टिवली द सेम डे एक ही दिन खोला गया दोनों तीनों को, तो बोला गया कि व्हेन विल द टैंक बी फुल, मतलब टैंक फुल होने में कितना समय लगेगा कितना बजे तक, मतलब बोला गया है कि कब तक ये टैंक फुल हो जाएगा, बस ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ध्यान देंगे। क्या बोला गया है ए के बारे में, क्या बोला गया है कि ए
सब भरने वाला पाइप है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस लिखे या माइनस नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। अगर एक आग खाली करने वाला रहता तो हमें दिक्कत होता उस समय। ठीक है, समझ में आ रहा है? ए 20, बी 30, सी 60 हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तीनों का एफिशिएंसी एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा जल्दी से बोलिए, कितना आ जाएगा? 20, 30, 60 का एलसीएम, 60 क्या हो गया, 3, ये 2, ये 1, 3, 2, 1 हो गया। आगे क्या बोला गया था अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन अब क्या बोला, कंडीशन बोला गया क्या कि ए को 7 बजे खोला गया, बी को 9 बजे खोला गया और सी को, सॉरी, बी को 8 बजे, सी को 9 बजे खोला गया। ध्यान देना, मान लीजिए टैंक हमारा है, ए को क्या बोला गया है 7 बजे खोला गया है, बी को बोला गया 8 बजे खोला गया है और सी को 9 बजे खोला गया है। अब ध्यान देंगे, अब क्या होगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले 9 बजे तक हम लोग को सबको चलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए को 9 बजे तक ले जाना पड़ेगा, बी को भी हम लोग क्या करेंगे 9 बजे तक ले जाएंगे, तभी तो यहाँ से आसानी हो जाएगा ना, तीनों साथ में काम कर रहा है। क्या करेंगे, ए को 9 बजे तक काम करवाएंगे, बी को भी 9 बजे तक काम करवाएंगे, तब हम लोग यहाँ से आसानी से तीनों को साथ में लेते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यही करेंगे ना, तो ध्यान देंगे, अब यहाँ 7 है, 7 से 9 बजे तक हमें जाना है, मतलब क्या होगा, 2 घंटा अकेले काम करेगा ए, 2 घंटा अकेला काम किया ए, 1 घंटा में 3 काम कर रहा है तो 2 घंटे में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, होगा कि नहीं होगा। प्लस आगे ध्यान दे रहे हैं, आगे देखेंगे, अब बी भी क्या करेंगे, 9 बजे तक काम करवाएंगे तो 8 से 9 में जाने के लिए 1 घंटा, मतलब बी भी 1 घंटा काम करेगा तो 1 घंटा में 2 काम, तो 1 ही घंटा काम करवाने का 6 प्लस 2 हो गया प्लस। ठीक है, आगे चलते हैं, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से अब सब मिल करके, तीनों मिल करके काम करेगा तो कितने देर में, क्या बोला जा रहा है कि टाइम कितने समय में ये टंकी भर जाएगा, तब ध्यान दे रहे हैं, अब यहाँ से तीनों साथ में काम करेगा, क्या करेंगे, तीनों साथ में काम कर रहा है ना, क्या करेंगे, जो हम लोग इतना लाए हैं ना 9 बजे तक, सो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो 6 और 2 8, 8 को क्या करेंगे 60 में माइनस कर देंगे, क्या जाएगा हमारा 52 हो जाएगा। ध्यान देंगे, 8 60 में घटा देंगे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। अब 52 जो है ना, अब तीनों मिल का काम करेगा, अब तीनों मिल का काम करेगा ना तो कितने देर में करेगा, ध्यान देंगे, 3 2 5 अब 6 बटा क्या कर देंगे 6 कर देंगे, सो क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे, सोल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा वही आंसर हो जाएगा, तो सोल्व करेंगे कितना बार में कटेगा, ध्यान देंगे काटेंगे दो बार में कटेगा, दो बार कटेगा कितना होगा 26, क्या हो जाएगा 3, मतलब क्या हो गया 26/3, 26/3 तो 26/3 घंटे में क्या बोल रहा है ये टंकी को भर जाएगा, पर आवर्स में हमें नहीं पूछा गया, क्या बोल रहा है ये टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ मतलब कितने समय में ये टंकी को भर जाएगा, अगर इसमें निकाल लेंगे टोटल अच्छा से निकाल लेंगे, ध्यान देंगे अगर समय निकाल लेंगे मिनट में भी तो हमें पता चल जाएगा, तो मिनट में निकालेंगे क्या करेंगे इसको पहले आवर्स को हटाएंगे, तो आवर्स का हो जाएगा यहाँ पर 8/2/3 हो जाएगा, इसको अगर लिखा जाए 8 घंटा 2/2/3 क्या करेंगे इसको मिनट में बदल देंगे, 60 से गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे कितने बार में बढ़ जाएगा 20 बार में, मतलब क्या हो गया 8 आवर्स और 40 मिनट में ये क्या हो जाएगा ये टंकी को बचा हुआ टंकी को भर देगा। अब ध्यान रहे अब आवर्स तो निकल गया हमें, पर हमें क्या निकालना था कितने समय में, घड़ी के समय निकालना था हमें, ध्यान देंगे कितना से शुरू किए थे हम लोग 9 बजे से शुरू किए थे, क्या करेंगे 9 में इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ध्यान देंगे यहीं से शुरू किए थे ना, 9 से शुरू किए थे तीनों को काम करवाने साथ में, तो 9 बजे से क्या कर देंगे 8 को ऐड कर देंगे, तो 9 और 8 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 17, 17 का मतलब क्या होता है 15 बजे, सॉरी 17 का मतलब क्या हो गया 5 बज रहा है, मतलब 5:40 में क्या हो जाएगा ये टंकी पूरी तरह से फुल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया जल्दी से बोलिए, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे इसको समझने में कि कैसे ये आया है टाइम, इस तरह क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी किया था, किस तरह की समस्या हो तो आप बोलिए, क्या किए हैं कि तीनों को साथ में चालू करवाना था हमें, तीनों को साथ में चालू करवाना है, क्या किए ए को पहले 9 बजे तक काम करवाएं, बी को भी 9 बजे तक काम करवाएंगे, तीनों को यहाँ से साथ में करवा दिए ताकि हमें आसानी हो जाएगा, तो ए ने 2 घंटा काम किया तो 6 काम कर लिया, बी ने 1 घंटा काम किया तो 2 काम किया, तो दोनों काम पहले हम लोगों ने हटा दिए तो मतलब क्या हो गया हटाएंगे तो कितना 52 आ गया, अब 52 जो है अब यहाँ से तीनों मिल के काम करेगा, तो तीनों मिल के काम करेगा तो कितना देर में कर रहेगा 8:40 में, पर हमें 8:40 नहीं निकालना था, हमें क्या करना था हमें टाइम निकालना था, टाइम कहाँ हो जाएगा 9 बजे से क्या करेंगे 8:40 ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे क्या जाएगा 5:40 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में कोई समस्या?
आगे चलते हैं इस तरह से। आई का बड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है कि टू पाइप, दो पाइप है, एंड वी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, वाइल सी इम्पिटीज इन 32 मिनट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल द थ्री पाइप्स ओपन साइमल्टेनियसली, तो क्या बोला गया है कि हाउ एवर पाइप इज क्लोज 2 मिनट्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड, हाउ इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल। क्या बोला गया, ध्यान देंगे कि तीन पाइप है, कौन कौन सा पाइप है, एक तो ए है, एक बी है, एक तीसरा पाइप कौन सा है, सी है। ध्यान देंगे तीन पाइप है, जिसमें से ए के बारे में क्या बोला गया कि 12 मिनट में भर सकता है, बी के बारे में क्या बोला गया 24 मिनट में भर सकता है, और सी के बारे में क्या बोला गया है कि 32 मिनट में क्या करेगा, टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, समझ में, ए 12 मिनट में भरेगा, बी 24 मिनट में भरेगा, और सी सी टंकी को 32 मिनट में खाली कर देगा। समझ में, तब निकालना क्या था, आगे क्या बोला गया कि तीनों पाइप को साथ में खोल दिया गया, तीनों पाइप अगर साथ में खोल दिया गया है ना, तो क्या बोला गया है कि आगे कि 2 मिनट पहले सी पाइप को बंद कर देंगे, 2 मिनट पहले अगर सी पाइप को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये बोला गया है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तब ध्यान देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है, जो हमें डाटा दिया गया है उसी के अनुसार चलेंगे। क्या बोला गया ए के बारे में, क्या बोला गया है कि ए जो भर रहा है कितने देर में भर रहा है, तो 12 मिनट में। बी के बारे में क्या बोला गया है कि ये 24 मिनट में भर रहा है, और सी के बारे में क्या बोला गया है कि ये 32 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, समझ में, तीनों हो गया। अगर तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, 12, 24 और 36, ऐसा क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे अगर 12 24 में निकालेंगे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और 24 और 32 में देखा जाए तो 24 और 32 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखेंगे तो 8 कॉमन है, क्या जा रहा है 3 या 4 12, तो 8 गुना 12 करेंगे तो 12 या 96 हो जाएगा, क्या जाएगा 96 हमारा इसका एलसीएम हो गया। समझ में, कैसे निकालेंगे, 24 हुआ दोनों में, अगर देखा जाए 24 और 24 और 32 में देखा जाए क्या करेंगे, 24 और 32 8 दोनों में कॉमन आते हैं, 3 बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है 4 बच रहा है, तो 8 गुना 3 गुना 4 कर देंगे, क्या अब 12 और 8 96 हमारा हो गया। ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका अगला मल्टीपल देखेंगे, क्योंकि ये नहीं कटेगा, तो 32 अगला मल्टीपल 64 होता है, वो भी नहीं कटेगा, उसका अगला मल्टीपल क्या होगा 96 होगा, 24 कट जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो एलसीएम आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द निकालने का, ठीक है, वो वाला मेथड अप्लाई नहीं कीजिएगा कि इस तरह से 12 32 24, तो काफ़ी ये लंबा लग जाएगा। ठीक है, ये मेथड हमें अप्लाई नहीं करना है। चलते आगे, क्या गया इसका एफिशिएंसी देखा जाए तो 8 फिर क्या आ जाएगा 4 फिर क्या आ जाएगा 3 आ गया, ए का 4 बी का सॉरी ए का 8 बी का 4 सी का 3 हो गया। आगे चलते, क्वेश्चन क्या बोला गया था कि सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाए, सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाए, ध्यान देना है तो टंकी कितने देर में भरेगा, 2 मिनट पहले इसे बंद करना है, तब ध्यान दे रहे हैं ये जो हमारा है ना ये खाली करने वाला टंकी है, क्या बोल रहा है ये जो हमारा सी है ये क्या कर रहा है, ये टंकी को खाली करेगा, यही करेगा ना, ध्यान देंगे सी जो है टंकी को खाली करने वाला है, तब देखा जाए तो हम लोग क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं इसको, ए और बी का पार्ट 2 मिनट, ठीक है, क्या बोला गया 2 मिनट पहले तक, 2 मिनट पहले क्या बोला गया इसको बंद कर दिया गया, तो इसको 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया है, मतलब 2 मिनट और एक्स्ट्रा चलाया गया है, ए और बी को एक्स्ट्रा 2 मिनट और चलाया गया है, यही बोला गया है ना, 2 मिनट और एक्स्ट्रा ए और बी चला है, क्या करेंगे पूरे में से इस काम में से ए और बी का जो 2 मिनट एक्स्ट्रा चला है ना उसको कर लेते हैं हम लोग माइनस कर लेते हैं, क्यों कर लेंगे, ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि यहाँ से ए बी सी तीनों साथ में काम करेगा उतना काम, 2 मिनट पहले तक, 2 मिनट पहले तक भरने से तीनों ने साथ में काम किया है, तो क्या करेंगे ए और बी को अगर माइनस कर ले इसमें से काम को, तो पता चल जाएगा ना कि ए बी और सी मिल करके कितने देर में पूरा भरा होगा टैंक को, समझेंगे क्वेश्चन समझेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, ऐसा ना करिएगा कि पता चला कि दो इसमें सॉरी जो दो दिन का 2 मिनट जो पहले जो है इसको ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे जो हम लोग उसमें करते थे टाइम एंड वर्क में, जब पीछे से काम करता था क्या करते थे उसके काम को ऐड करते थे, पर ये क्या बोल रहा है ये भर नहीं रहा है ये खाली कर रहा है,
ध्यान देंगे, ये खाली करने वाला आदमी, भरने वाला आदमी नहीं है, भरता तो हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। पर क्या बोल रहा है, ये खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है तो खाली जब कर ही रहा है तो क्या करेंगे, सिर्फ क्या बोले करेंगे, ए और बी का दो मिनट का जो एक्स्ट्रा काम किया है ना उसको हम लोग माइनस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा काम किया उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर माइनस करेंगे एक्स्ट्रा काम तो देखा जाए तो एक मिनट में कितना काम करेगा, 12 दिन क्या करेगा, 24 काम का कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, ये करेंगे ना, दो मिनट एक्स्ट्रा काम किया ना ए और बी, तो 24 का कर देंगे, यहाँ हम लोग माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, घटाएंगे क्या जाएगा, 72 आ जाएगा। अब 72 जो काम है, अब क्या करेगा, तीनों मिल के काम करेगा, तीनों मिल के काम करेगा कि नहीं करेगा, ए बी सी, और तीनों मिल के काम करेगा तो कितना हो जाएगा समय, अगर देखा जाए तो 8 4 12 12 में से क्या गया, 3 गया, तो 12 में से 3 क्या जाएगा, 9 होगा, 12 में से 3 गया 9, मतलब क्या हो जाएगा 8 मिनट, मतलब क्या बोला, 8 मिनट में तीनों मिल करके बचा हुआ काम को भर देगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बोला गया था कि टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा, पूरा बोला गया, पुत्र पूरा समय में, तो बोला गया है तो ए अभी 2 घंटा यहाँ काम किया था और 8 घंटा यहाँ भी काम किया है, क्या हो जाएगा 8 घंटा और 2 घंटा क्या हो जाएगा 10 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। मारने का तो पता चला गया 8 आ गया, मार दिए, ऑप्शन नंबर डी मार दिए, पर हमें पूरा निकालना था, ध्यान देंगे पूरा घंटा टोटल कितना समय लगा, टोटल कितना समय लगेगा, 2 मिनट तो ये भी काम किया था ना पहले, 2 मिनट का जो हम लोग माइनस किए हैं तो ये भी से 2 मिनट का ही काउंट होगा उसी में ही ना, क्या बोला पूरा बोला कितना समय लगेगा, पूरा शुरू से लेकर के अंत तक, तो 8 मिनट तो इधर लगा, ए बी सी तीनों काम किया और 2 मिनट और भी काम किया था ए और बी, तो क्या हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा, बस सही हमारा आंसर हो जाएगा, 8 और 2 तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में ये कैसे करना है, आगे चलते हैं, आगे देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि ए टाइप कैन फिल अ टैंक इन 5/1/2 hours बिकॉज ऑफ ए लीक इट टुक्स 8/1/4 hours टू फिल द टैंक, इन हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन इम्प्टी 30% ऑफ द टैंक। बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्या बोला गया एक टाइप है, ए टाइप है, मान लेते ए टाइप है, क्या बोला गया ए के बारे में क्या बोला गया, ये भर रहा है, 5 पूर्णांक 1/2 मतलब क्या हो गया 11/2 इतना देरी में भर रहा है, अब क्या बोला कि लीक हो गया, लीक होने कारण से क्या हो गया ना, इस टंकी को भरने में 8 पूर्णांक 1/4 हुआ, मतलब एक बी भी है, ध्यान देना एक बी है, बी कौन कर रहा है, लीक करने वाला है, ठीक है, ये लीक करने वाला है मतलब इससे पानी बाहर निकल रहा है, तो ऐसा करने से क्या हो गया ना, ये लीक होने के कारण से जब दोनों साथ में काम कर रहा था ए और बी, तो करने में कितना देर लगा उसे, 8 पूर्णांक 1/4 मतलब क्या हो गया 33/4 होगा ना, दोनों साथ में होगा ना, क्योंकि जब भर रहा था और लीक हो रहा था तो बोला ऐसा करने से 8 पूर्णांक 1/4 घंटा लग रहा है, तो मतलब क्या हो गया ए और बी दोनों साथ में काम किया, तो ए और बी साथ में काम किया तो कितना हो गया 33/4 मतलब क्या हो गया ए, अब बी हमारा क्या है माइनस वाला है, तो दोनों साथ में करेगा तो 33/4 हो गया, ठीक है। तो बी के बारे में बोला गया मतलब एलोन अगर बी काम करेगा तो 30% भरने में खाली करने में उसे कितना समय लगेगा, तो बी का हम लोग एफिशिएंसी पता करेंगे, तो बी का एफिशिएंसी यहीं से पता चलेगा, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 11 और 33 का कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ कितना हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा, ये 6 हो गया, ये हो गया 4 हो गया इसका, यही होता है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ, ठीक है आगे चलते हैं। ये हो गया, अब देखा जाए ए का एफिशिएंसी 6 है और ए और बी का क्या है 4 है, ध्यान देंगे ए का कितना है 6 है और ए और बी को अगर जोड़ देंगे तो 4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया बी का कितना हो जाएगा, बी -2 काम कर रहा है, अगर ए 6 काम कर रहा है तो बी कितना काम कर रहा होगा -2 काम कर रहा होगा, ये खाली कर रहा है टंकी को, लीक है तो क्या हो जाएगा -2, तभी तो आएगा ना 4, ध्यान देंगे समझ में, तो बी का एफिशिएंसी पता चल गया कितना है 2 है, तो क्या बोला गया था कि 30% इसे खाली करना है, सिर्फ 30% टंकी का खाली करना है, मतलब 30% भरा हुआ है, 30% भरा हुआ है तो उसी खाली करेंगे ना, तो ध्यान देंगे टोटल भरना कितना था 33%, 33 क्या करेंगे 30% निकाल लेंगे, तो 30% का मतलब क्या हो गया 3/10, ठीक है इतना हमें निकालना है, ध्यान देंगे इतना क्या करना है हमें निकालना है, अब निकालना है इतना हमारे पानी हो गया, इतना हमको खाली करना है, तो खाली करना है कितना से खाली करना है, हमें 2 से खाली करना है, क्योंकि 2 इफिशियंसी है, क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे क्या जाएगा देखा जाए क्या जाएगा, ये 33 या 99 हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा क्या नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ गया क्या जाएगा 20 99/20 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है समझ में, जब भी बोले 30% बोले 40% बोले 50% बोले
कैसे निकाला जाएगा, समझ में बी का एफिशिएंसी निकाल लिए, ये कितना बड़ा था इतना का 30% ही बार उसे खाली करना है, 30% खाली करना है टंकी को, 30% निकाल लेंगे कितना 30% होता है, 30% मतलब 3/10, सो सॉल्व कर लिए, हमारा आंसर आ गया 99/20। ठीक है आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, टू पाइप्स क्या बोल रहा है कि टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 12/2 hours एंड 25 hours रिस्पेक्टिवली। ठीक है दो पाइप है, कौन सा है, एक ए पाइप है, क्या बोला गया, ए 12/1/2 मतलब क्या होगा 25/2, उस तरह से बी के बारे में क्या बोला गया, भरने वाला दोनों है, भर रहा है। ठीक है बी के बारे में क्या बोला गया, 25 घंटा में भर सकता है, ध्यान देंगे, ए 12/1/2 मतलब 25/2, बी 25 घंटा में भर सकता है। और क्या बोला गया कि द पाइप वर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप को साथ में खोल दिया गया, ऐसा करने से क्या बोला गया, यू फाउंड दैट ड्यू टू अ लीकेज, उसमें भी क्या हो गया, इसमें भी लीकेज हो गया, लीकेज होने के कारण से क्या बोला गया, बॉटम में लीकेज है इस कारण से क्या हो गया, इसे 1 घंटा 40 मिनट और अधिक समय लगा भरने में, मतलब एक और लीकेज वाला पाइप है सी, मान लीजिए कोई लीकेज वाला पाइप है, ठीक है ना, लीकेज वाला पाइप है सी, वो क्या हो गया, जब तीनों को खोल दिया, दोनों को खोल दिया जाता है ना, कौन सा पाइप को, ए और बी को ऐसा करने खोल दिया जाए, फिर क्या हो गया, नीचे लीक हो गया, ए और बी को खोल दिया जाता है तब साथ में दोनों को चालू कर दिया जाता है, तब क्या पता चला कि बाद में कि एक लीकेज हो गया था, लीकेज हो गया मतलब नीचे कहीं छेद हो गया होगा, ठीक है, टंकी में छेद हो गया, जिस कारण से क्या बोला गया है कि भरने से जो पहले भरता था ना उससे 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लिया, ध्यान देंगे, एक घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लिया, मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, एक घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लिया, तो ध्यान देंगे मतलब ए प्लस बी पहले जो ले रहा होगा, पहले मान लीजिए एक्स ले रहा होगा, तो अब क्या हो गया कि एक्स प्लस क्या बोला, 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है ये लिया, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, 2/3 मतलब क्या हो गया, 5/3 हो जाएगा, यही होगा ना, 1 पूर्णांक 40/60 इसको करेंगे कितना, 2 3 मतलब क्या, 3 2 5 मतलब क्या हो जाएगा, 5/3 मतलब 5/3 घंटा और एक्स्ट्रा समय लगेगा, यही लगेगा ना, तीनों ओवर साथ में काम करता, तब ध्यान देंगे हम लोग क्या करेंगे कि पहले ए और बी का पता कर लेंगे कि ए और बी कितना समय में किया होगा, तभी तो हम आगे निकाल पाएंगे ना, क्योंकि आगे क्या बोला गया है कि आई बोल रहा है कि इफ द सिस्टम इज फुल्ड इन हाउ मच टाइम विल लीक द अलोन कैन इम्प्टी 70%, लीक के बारे में बोला गया कि इसका एफिशिएंसी में पता करना पड़ेगा, तो इसका एफिशिएंसी कैसे पता करेंगे, जब हमको ए और बी के पता चल जाएगा कि कितना एफिशिएंसी है तो हमें सी का भी पता चल जाएगा, पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, क्या करेंगे यहाँ से हम लोग ए और बी के निकालेंगे, ए और बी कितने दिन में काम करेगा, कितने दिन में करेगा, क्या करेंगे दोनों का एलसीएम, दोनों के एलसीएम कितना आ जाएगा, ध्यान देंगे कितना आएगा बताइए जल्दी से, क्या जाएगा 25 होगा, 25 हो गया एलसीएम, इसका कितना हो जाएगा, ये 2 क्या हो गया इसका एफिशिएंसी 1, ध्यान दें ए 2 एफिशिएंसी इसका 1, तो दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो कितना जाएगा 25/8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ए और बी का कितना वैल्यू आ गया, ध्यान दे रहे हैं ए वैल्यू को वैल्यू 25/8, क्या जाएगा यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ कहा 25/8 को अगर जोड़ देंगे कितना जाएगा, ध्यान देंगे 25/8 3 होगा ना, 2 और 1 3 ध्यान देंगे 25/3 5/3 जोड़ेंगे कितना जाएगा 30/3, मतलब क्या हो जाएगा ए बी सी को कितना देर लगेगा 10 घंटा का समय लगेगा, ए बी सी कितना देर लगेगा 10 घंटा का समय लगेगा, और ए और बी को कितना समय लगेगा, ए प्लस बी को कितना समय लगेगा 25/3 समय लगेगा। ठीक है इसको थोड़ा सा साफ से लिखते हैं, समझ में आ रहा है, साफ से लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितना देर लगा 10 घंटा लगा। ठीक है क्या बोला गया था सी के बारे में बोला गया था, सी के एफिशिएंसी क्या करेंगे दोनों में से निकाल लेंगे, दोनों में से कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे ए प्लस बी 25/3 ए प्लस बी प्लस सी 10 घंटा, तो निकाल लेंगे यहाँ से सी का पता चलेगा ना, इसमें क्या करेंगे दोनों इसका एफिशिएंसी में से ए हम करेंगे इसका एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो पता चलेगा सी कितने देर में कर रहा होगा, क्या करेंगे यहाँ भी हम लोग इस तरह से एलसीएम लेंगे तो 25 और 10 का एलसीएम कितना जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है 50 हो गया तो इसका कितना हो जाएगा 6 कितना हो गया 5, ध्यान दे रहे ए प्लस बी 6 काम ए प्लस बी प्लस सी 5 काम मतलब क्या हो गया, ध्यान देंगे तो क्या हो गया इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है देखेंगे तो ए बी जो हमारा है 6 है तो बी सी हमारा कितना हो जाएगा -1 होगा तभी तो 5 के बराबर होगा, ध्यान देंगे -1 होगा तभी तो 5 के बराबर होगा, सी का एफिशिएंसी पता चल गया कितना है
एक है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो हमें क्या बोल रहा था, भरना कितना है 70% ही हमें क्या करना है, भरना है, क्या करना है 70% भरना है, तो हमें कितना भरना पड़ेगा, इतना का 70% करेंगे ना। अब हम लोग इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अब हम लोग दोनों इसमें कंपेयर कर रहे थे, तो इसमें कंपेयर करेंगे तो दोनों को भरने में कितना लग रहा है, 50 भरना है, तो 50 क्या करेंगे 70% निकाल लेंगे, तो 50 का 70% निकालेंगे तो ध्यान देंगे कितना जाएगा, 50 का 70% कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्या करेंगे 35 निकाल, भरना है हमें 35 भरना है, कितना रेट से भर रहा है, मतलब एक मिनट में, एक घंटा में एक लीटर भर रहा है, तो 35 लीटर भरने में 35 बटा एक करेंगे, क्या जाएगा हमारा 35 मिनट हो जाएगा, सॉरी 35 आवर्स हो जाएगा, 35 आवर्स में क्या करेगा इस टंकी को कम्प्लीटली 70% को भर देगा, खाली कर देगा, कौन खाली करेगा, सी खाली करेगा, क्योंकि सी खाली करने वाला है। समझ में आए क्वेश्चन को, समझ में आए, कोई दिक्कत है, कन्फ्यूजन है तो बोलिए जल्दी से, कैसे आए, ए के बारे में बोला गया था 25 बटा 2, बी के बारे में बोला गया था 25 मिनट में भर सकता है, ठीक है, तो हम कहा कि ये दोनों का क्या कर लिए, एफिशिएंसी पता कर लिए, क्यों पता कर लिए, क्योंकि बोला गया था ए प्लस बी प्लस सी के बारे में क्या बोला गया था कि ए बी जितना काम करता है ना उससे सी के आ जाने से क्या हो गया, एक घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी एक्स्ट्रा काम कितना कर रहा है 10 हो गया, क्योंकि ए प्लस बी कितना काम किया था 25 बटा 3 था, हम अगर इसको जोड़ लिए, जो एक्स्ट्रा काम कर रहा था कितना एक्स्ट्रा हो रहा था वर्क, एक आवर 40 मिनट एक्स्ट्रा वर्क हो रहा था, तो क्या कर लिए ए बी में ऐड कर लिए, तो एक्स्ट्रा वर्क ऐड कितना आ गया 10 आ गया एक्स्ट्रा, तो जो ऐड किए तो पता चल गया ए और बी का 25 बटा 3, ए प्लस बी प्लस सी का 10, कंपेयर कर लिए, यहाँ से सी का निकाल लिए एफिशिएंसी, सी का निकल गया, हमें भरना था 50, हम लोग इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अब हम लोग यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, इसको नहीं लेंगे, ध्यान देना है, इससे हमें अब मतलब नहीं रहा है, अब कंपेयर यहाँ चल रहा है, तो कंपेयर यहाँ चल रहा है, तो अभी हम लोग इसको लेंगे, 50 भरना था, 50 का निकाल लिया हम लोग, वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में कोई कन्फ्यूजन। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन पढ़ेंगे, पाइप ए कैन एम्प्टी अ फिल टैंक इन 5.6 आवर्स, क्या बोला गया है ए के बारे में, क्या बोला गया है कि 5.6 घंटा में भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है, जबकि क्या बोला गया है बी के बारे में बोला गया कि फिल कर सकता है 7 घंटा में, ठीक है, ए के बारे में क्या बोला गया कि 5.6 घंटा में खाली कर देगा टंकी को, बी के बारे में क्या बोला गया कि टंकी को खाली टंकी को 7 घंटा में भर देगा, आगे क्या बोल रहा है इन द केस ऑफ टैंक इज फुल, जब टैंक क्या और फुल है पूरी तरह से टैंक भरा हुआ है, तो क्या बोला गया कि हाउ लॉन्ग कैन इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ पाइप ए एंड बी ओपन अल्टरनेट फॉर 1 आवर्स, ठीक है, क्या बोला गया अल्टरनेट वाले क्वेश्चन के, मतलब एक एक तरह के एक एक घंटा के लिए खोला जाता है, ए से शुरुआत करते हुए ए और बी से, ए से शुरुआत करते हुए ए बी को एक एक घंटा के लिए खोला जाता है, तो बोला जाए कितने देर में ये कंप्लीटली खाली कर देगा टंकी को, ये बोला गया है, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या बोला गया कि ए जो हमारा मान लेते ए पाइप है, ठीक है, ए पाइप जो दिया गया है ये खाली करने वाला है, क्या बोला गया है कि 5.6 घंटा में खाली करता है, मतलब क्या फ्रैक्शन में देंगे आसान हो जाएगा, 5.6 बटा 10 हो गया, ये होगा ना 5.6 आवर्स, मतलब 5.6 बाई 10 हो गया 56 बटा 10, आ क्या हो रहा है बी इसी तरह को भर सकता है इसी टंकी को कितने देर में 7 घंटे में भर रहा है, अब ध्यान देंगे 7 घंटे में भर रहा है, तो बोला गया है कि एक एक करके अगर दोनों को साथ में खोल दिया जाए ना, एक एक करके शुरुआत किससे करेंगे ए से, तो बोला गया है कि लास्ट में क्या बोला गया है कि कितने देर में टंकी खाली हो जाएगा, ध्यान देना है किससे शुरुआत करना है, ए से शुरुआत करना है, ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा, इस तरह से करते रहेगा, खाली करना है, ध्यान देना है तो खाली करना है, लास्ट में कौन काम करेगा, यही काम करेगा ना, लास्ट में कौन करेगा, लास्ट में ए अकेला करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि अगर बी का अगर साथ में काम करवाएंगे ना, क्या करेगा ये फिर भर देगा, क्या करेगा ये फिर जो है ये भर देगा, भरेगा कि नहीं भरेगा, हमको करना पड़ेगा सिर्फ ए तक ही काम करवाएंगे, क्यों करवाएंगे, क्योंकि हमको खाली करना है, खाली कौन कर रहा है ए करेगा, अगर बी से भी काम करवाएंगे लास्ट में क्या करेगा बी फिर भर देगा, हमको भरना नहीं ना है ना, हमको करना पड़ेगा सब सिर्फ खाली करते चले जाना है, क्या करेंगे लास्ट में हमें ए से ही काम करवाएंगे, ए तक काम हो जाएगा टंकी खाली हो गया बस कोई टेंशन नहीं, अब हम क्या करेंगे बी से नहीं काम करवाएंगे, क्यों क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि भरने वाला बी है, क्योंकि भर के फिर चला जाएगा, फिर भरना नहीं हमें, जब लास्ट में खाली हो गया तो हम बी से फिर क्यों काम करवाएं एक्स्ट्रा, ठीक है,
ध्यान देंगे। तो बोला गया है कि कितने देर में ऐसा करवाएंगे, ए बी ए बी ए बी, कितने देर में लास्ट में कौन का काम करेगा, ए काम करेगा, तो कितने देर में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकालेंगे, क्या करेंगे, जो हमारा दिया गया है उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 56 और 7 का कितना आ जाएगा, 56, इसका काटेंगे 10, क्या हो जाएगा ये 8। अब ध्यान देंगे, ये क्या हो गया 10, ये 8, मतलब तो एक घंटा में 10 लीटर खाली कर देगा। तो लास्ट वाला क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, कि जो लास्ट में, क्योंकि ए बी ए बी ए बी यहाँ तक भी क्या होगा, ए बी मतलब यहाँ तक ए बी सब काम कर रहा है साथ में, ए अकेला ही है, क्या करेंगे ए अकेला जो है ना, अकेला वाला को हटा देंगे, अकेला को हटा देंगे। तो ध्यान देंगे ए 10 लीटर खाली कर रहा है, टोटल 56 लीटर है, कितना बचेगा 46 लीटर बचेगा, 46 लीटर बचेगा कि नहीं बचेगा, अब 46 लीटर अब दोनों मिलकर काम करेगा, कितने देर में करेगा वो निकाल लेंगे, कितने देर में काम करेगा अब देखेंगे। देखा जाए तो क्या बोला गया है, ए बी पहले काम करेगा, ठीक है, ध्यान देंगे ए बी, तो ए बी अगर देखा जाए दोनों साथ में काम करवाएंगे तो एक घंटा में क्या बोल रहा है 10 लीटर खाली कर रहा है, फिर अगला घंटा क्या हो गया 8 लीटर भर जा रहा है। तो ऐसा करने से क्या होगा, 10 लीटर खाली हुआ पहले, फिर 8 लीटर भर गया, मतलब क्या होगा 2 ही लीटर खाली हुआ ना, 2 घंटा में कितना खाली हुआ, 2 घंटा में 2 लीटर खाली हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 10 लीटर तो पहले खाली हो गया, फिर क्या हो गया 8 लीटर उसमें भर दिया गया, मतलब क्या होगा 2 ही लीटर खाली हुआ, इसका मतलब क्या होगा 2 घंटा में 2 लीटर खाली हो गया, हमें कितना खाली करना है 46 खाली करना है। तो 46 खाली करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 23 से गुना करेंगे, तभी तो 46 लीटर खाली होगा ना, 23 लीटर से गुना करेंगे, 23 से गुना करेंगे, इधर भी हम लोग क्या करेंगे 23 से गुना करेंगे, 23 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा जो 46 मिनट में 46 मिनट में 46 लीटर क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा। तो हमें खाली कितना करवाना है 56 लीटर खाली करवाना है, तो 46 मिनट तो इधर हुआ और 1 मिनट इधर भी तो अकेले काम किया ए लास्ट में, तो क्या करेंगे 46 और 1 मिनट को और ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है डी हो जाएगा। समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन है इसमें जल्दी से बोलिए, कैसे आया, कोई दिक्कत, क्या किया लास्ट में जो 1 मिनट एक्स्ट्रा जो इससे काम करवाए वो जोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमारा ए खाली कर देगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं फिर भरवाने से, तो एक वाला का पहले माइनस कर लिए थे, तो माइनस अगर ए एक घंटा में 10 लीटर खाली कर रहा था तो 10 लीटर पहले हम लोग खाली करवा लिए इससे, अब क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, दोनों साथ में काम करेगा तो आसानी हो जाएगा हमें निकालने में, तो इसीलिए हमने पहले ए को हटा दिया, अब दोनों को साथ में काम करवाते चले गए तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है कि ये जो टायर है इसमें 3 पंचर है, इसमें से क्या बोल रहा है, पहला पंचर ये 9 मिनट में खाली कर रहा है, दूसरा पंचर के बारे में क्या बोला 18 मिनट में, तीसरा पंचर इसे 6 मिनट में, तो क्या बोला गया है अगर तीनों को मैं क्या बोला, इफ द एयर लीक्ड आउट एट अ कॉन्स्टेंट रेट देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक ऑल द पंचर टुगेदर टू मेक इट फ्लैट। इस तरह क्वेश्चन हम लोग भी किए थे हम लोग, कि जो पहला पंचर है क्या बोला गया है, पहला पंचर 9 मिनट में, दूसरा पंचर 18 मिनट में, तीसरा पंचर 6 मिनट में खाली कर सकता है, अब तीनों अगर साथ में काम करेगा तो कितने देर में खाली हो जाएगा, बस यही बोला गया है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका आंसर कैसे आएगा, हम लोग क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 9, 18 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो गया टोटल काम, 18 हमको खाली करवाना है, तो ए का देखा जाएगा तो इसका 2, इसका दूसरा देखा जाएगा 1, तीसरा क्या हो जाएगा 3, तो 2 अब 1 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 6, 18 बटा 6 करेंगे क्या जाएगा 3 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3। कैसे आया ध्यान देंगे, पहला पंचर है, पहला पंचर खाली कर रहा है तो माइनस 3 तो खाली कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है 9 मिनट में, दूसरा के बारे में क्या बोला गया है 18 मिनट में, तीसरे के बारे में क्या बोला गया है ये 6 मिनट में, क्या करेंगे तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम क्या आ गया 18, इसका 2, इसका 1, इसका 3, मतलब 3 2 1 सॉरी 2 3 1 2 1 3 क्या हो गया इफिशेंसी हो गया, टोटल कितना खाली करवाना है 18 खाली करवाना है, तो 2 और 1 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 6, 18 बटा 6 मतलब क्या होगा 3 मिनट में तीनों मिलकर के इस पाइप जो इस टायर को आसानी से खाली कर देगा, बस कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, समझ में आए, आगे चलते इस तरह क्वेश्चन काफ़ी हम लोगों ने पीछे किया भी है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, इसको आपको करना है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो बोला तीनों पाइप है 15 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है, ए को 6 बजे खाली शुरू किया गया, बी को 8 बजे और सी को 10 बजे शुरू किया गया, तो बोला गया कितने समय में कितने टाइम में ये टंकी
पूरी तरह से भर जाएगा, ये बोला गया। सो कीजिएगा, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा जब तक बनेगा नहीं। कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी हमने इसी तरह से ही बनाया था, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी बार बना चुके हैं, तो बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, ज़रूर बनेगा। नहीं बनेगा तो पिछला क्वेश्चन उलट के एक बार देखिएगा पीछे जा करके, जो हमने आपको बताया है वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ए टायर टू पंचर, फर्स्ट क्या बोला गया है 45 मिनट में, और सेकेंड उस तरह से 90 मिनट में खाली कर सकता है। तो बोला गया अगर दोनों को साथ में खाली शुरू कर दे तो कितना देर में करेगा, तो ये भी हमारा क्या है इजी क्वेश्चन है, 30 मिनट में क्या हो जाएगा, ये पूरा तरह से खाली कर देगा। करेगा नहीं करेगा, क्या करेंगे, हमारा एलसीएम लेंगे 45 और 90 का, 90 क्या हो जाएगा उसका 2, इसका 1, मतलब 90/3 क्या हो गया 30, आंसर ज़्यादा कुछ था तो व्यक्ति के साथ ही बन जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको बनाने का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि टू पाइप ए एंड बी, क्या बोला गया है कि फिल एन एम्प्टी टैंक इन 32 and 33 आवर्स, दे आर ओपन टुगेदर बट ए इज क्लोज्ड बिफोर, क्या बोल रहा है ए इज क्लोज 3 आवर्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड, तो हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक बाय द बोथ पाइप टू फिल द टैंक। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग अभी किए हैं। क्या बोला गया है कि ए के बारे में क्या बोला गया है कि ए जो है 22 घंटा में भर सकता है, और बी के बारे में क्या बोला गया है कि ये 33 घंटा में भर सकता है, ये दोनों भरने वाला है। ठीक है, दोनों टंकी को भरने वाला है, ध्यान देंगे। तो जब भरेगा तो क्या करेंगे, सब एलसीएम ले लेंगे, आसानी हो जाएगा हमारे, पहले इसको निकाल लेते हैं एफिशिएंसी निकाल लेंगे, हम लोग को बनाने में आसानी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्या बोला गया है कि दे आर ओपन टुगेदर बट, दोनों को क्या बोला गया है कि दोनों को साथ में खोला गया, साथ में तो दोनों को खोला गया, लेकिन क्या बोला गया है कि ए को भरने से 3 घंटा पहले बंद कर दिया गया। ए के बारे में क्या बोला गया है कि भरने से 3 घंटा पहले बंद कर दिया गया है, तो बोला गया है कि हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक बाय बोथ द पाइप्स टू फिल्ड द टैंक। क्या बोला गया है कि ए को 3 घंटा पहले बंद कर दिया गया, मतलब क्या हो गया बी को 3 घंटा और काम करवाया गया, तो हम कर सकते हैं 3 घंटा हम लोग माइनस कर लेंगे, क्योंकि भरना इतना ही है ना, भरना हमको 66 ही है, 66 भरना है, क्या करेंगे बी का जो हम लोग भर रहे थे ना, ए के बारे में क्या बोला गया था कि 3 घंटा खत्म होने से पहले ही बंद कर दिया गया, मतलब 3 घंटा ये एक्स्ट्रा काम किया, तो एक्स्ट्रा काम कितना किया है 3 × 2 = 6 हो जाएगा, क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे क्या देगा 60 होगा कि नहीं होगा, अब 60 क्या होगा, ये दोनों मिल के काम करेगा तो दोनों मिल के काम करेगा, कितने बार में करेगा 60/5 हो जाएगा, 3 × 2 = 5 क्या हो जाएगा 12 हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान देंगे 12 हो गया, तो हमें टोटल निकालना था, टोटल कितने समय मतलब भर जाएगा, तो 12 यहाँ 3 मिनट पहले काम किया था, तो 12 और 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 15 मिनट में क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा टंकी को क्या कर देगा भर देगा। समझ में, जो ए है ए को क्या किए, क्या बोला गया था ए के बारे में कि 3 घंटा पहले ही ए को बंद कर दिया गया, मतलब कि 3 घंटा एक्स्ट्रा कौन काम किया बी काम किया, कहाँ गए बी का जो एक्स्ट्रा काम किया गया है ना उसको हम माइनस कर लिए पहले, क्योंकि हमको इतना ही भरना है ना, टंकी को इतना ही भरना ही है, हमारे ये 6 को पहले माइनस कर लिए, 6 को माइनस इसलिए किए क्योंकि 3 घंटा पहले तक ए और बी दोनों साथ में ही काम कर रहा था, 3 घंटा पहले तक ए और बी दोनों साथ में ही काम कर रहा था, तो बी का हम लोग जो एक्स्ट्रा काम किया बी उसको हम लोग माइनस कर दिए, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 60, अब 60 क्या करें दोनों को मिल के साथ में करवा देंगे, तो क्या हो गया 12, जब साथ में काम करेगा तो 12 मिनट में कंप्लीट करेगा, सॉरी जो बचा हुआ काम है तो 12 मिनट इधर 3 मिनट इधर भी काम किया बी अकेले, तो टोटल कितने समय बोला गया, टोटल के बारे में बोला गया तो जोड़ देंगे 12 और 3 को क्या देगा 15, हमारा क्या देगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में, ठीक है, तो हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो यही हमारा क्या होता है पाइप एंड सिस्टम का जो प्रीवियस ईयर कर रहे थे, यही हमारा ख़त्म होता है पाइप एंड सिस्टम का प्रीवियस ईयर। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप लोग बताइएगा, ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कहीं पर और भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, शेयर करें, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा जहाँ भी आपको आ रही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।